हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली करंट अफेयर है बेलारूस, ईरान, अमेरिका और निकारगुआ के कार्यकर्ताओं ने 2020 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीता। कैदी ईरानी मानवाधिकार वकील नसरीन सोतोदेह, अमेरिकी नागरिक अधिकार वकील ब्रायन स्टीवेंसन, निकारगुआ की स्वदेशी अधिकार और पर्यावरण कार्यकर्ता लोटेरी कनिंगम ब्रेन और बेलारूस के लोकतंत्र कार्यकर्ता एलेस बियालत्स्की और ह्यूमन राइट्स सेंटर वियासना को 2020 के राइट लाइवलीहुड लोरेट्स के रूप में चुने गए हैं। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसे व्यापक रूप से अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, 1980 से साहसी चेंज मेकर्स को सम्मानित कर रहा है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है कोयला खाद्यान्न भविष्य निधि संगठन की सुनिधि परियोजना शुरू। सरकार ने महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना सुनिधि शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस पहल का मकसद कोयला खदान भविष्य निधि संगठन यानी CMPFO की भविष्य निधि और पेंशन से जुड़ी सभी गतिविधियों को डिजिटल रूप देना है। CMPFO कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है जो कोयला खदान कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की विभिन्न योजनाओं, पेंशन और जमा संबंध बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है अब्दुल कलाम द्वीप से शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने ओडिशा के बालेश्वर जिला अंतर्गत चांदीपुर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप LC-4 से शौर्य नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल अपेक्षाकृत हल्की है और आसानी से इसका संचालन किया जा सकता है। जमीन से ज़मीन पर 800 किलोमीटर दूर तक किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। यह मिसाइल काफ़ी ताकतवर मानी जा रही है। उल्लेखनीय है कि यह मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जमीनी रूप है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत और रूस के बीच पहला वेबिनार आयोजित। मोटर वाहन ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग पर भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा रूस के ऊर्जा मंत्रालय के बीच पहली बार एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है कॉफ़ी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च की गई। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली अभिलेखागार और कला संस्कृति और भाषा विभाग दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में कॉफ़ी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च की है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है विष्णु शिवराज पंडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत के विष्णु शिवराज पंडियन ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा जीत ली है। 16 वर्षीय विष्णु ने हाल ही में 251.4 का स्कोर बनाकर 2 अंक से खिताब अपने नाम किया। फ्रांस के एटीएने जेरमोंड दूसरे और ऑस्ट्रिया के मार्टिन स्टैम्फल तीसरे स्थान पर रहे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है PNB के वित्तीय समावेशन पहल ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष में पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB की एक वित्तीय समावेशन और साक्षरता पहल ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की है। यह देशव्यापी अभियान 4 प्रमुख विषयों डिजिटल, क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता पर आधारित है, जो विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भर भारत के पोषित विषय को निर्धारित करेगा।
आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित आज के दिन की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1862 में भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ और 1 जनवरी से लागू हुआ। आज ही के दिन सन 1870 में रोम को एकीकृत इटली की राजधानी बनाया गया। आज ही के दिन सन 1884 संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना वार कॉलेज न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में स्थापित किया गया। आज ही के दिन सन 1912 में अमेरिकी सेना ने निकारगुआ शहर लेओन पर अपना कब्जा किया। आज ही के दिन सन 1954 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना लाने की घोषणा की। आज ही के दिन सन 1957 में सोवियत संघ ने नोवाया जेमलिया में परमाणु परीक्षण किया। आज ही के दिन सन 1977 में रूसी युद्धक विमान मैकवियान MiG-29 ने पहली उड़ान भरी। यह एक युद्धक विमान है जिसे सोवियत संघ ने तैयार किया। आज ही के दिन सन 1981 काहिरा में सैनिक परेड के दौरान एक सैनिक समूह द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या हुई। आज ही के दिन सन 1987 फिजी एक गणराज्य घोषित हुआ। आज ही के दिन सन 1995 दो स्विस वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सौर व्यवस्था के बाहर ग्रह की पहली बार पहचान की। आज ही के दिन सन 2000 में यूगोस्लाविया में रक्तहीन जन क्रांति के बीच राष्ट्रपति मिलोसेविच देश छोड़कर भागे। विपक्षी नेता कोस्तुनिका ने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया। आज ही के दिन सन 2007 में कोरू में एरियन 5 रॉकेट के सहारे ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी टेलीविजन उपग्रह का परीक्षण किया गया। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।